इन्फॉर्मर्स, आज हमें एग्जैक्टली 10 महीने हो चुके हैं अपनी वो 25,000 वाली माइनिंग रिग बिल्ड करे। 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम है 1 अप्रैल 2024, तो मार्च में कितने प्रॉफिट्स आए हैं डेफिनेटली वो कैलकुलेट करने की बारी आ चुकी है। हर वीडियो में मैं बार बार बोलता हूँ कि 25,000 रुपये से सस्ती रिग अभी तक सीपीयू में अवेलेबल ही नहीं है मार्केट्स में जिनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो। तो अगर आपने वो रिग नहीं बनाई और उसका पूरा ट्यूटोरियल देखना चाहते हो और कैसे वो रिग ऑपरेट करती है, आपको फिनफार्म के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी उसकी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो अब सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, दैट इज़ यहाँ लिख देते हैं फेब्रुअरी टू मार्च। एंड इस महीने ऑफ कोर्स मैंने लास्ट मंथ भी बोला था कि मैं अभी एक्सडग माइन करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं, मैं ज़फायर माइन करने वाला हूं। तो इस महीने जो हमने ज़फायर माइन करे हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.823 ज़फायर। ठीक है, अब हमने ज़फायर यहाँ पे माइन कर दिए हैं। ज़फायर मैंने इसलिए भी माइन किए क्योंकि एक्सटैग पे डेफिनेटली रिवॉर्ड्स आपके काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन एक्सटैग में काफ़ी डाउन ट्रेंड में चल रहा था। हालांकि अब ज़फायर भी डाउन ट्रेंड में आ चुका है। लास्ट में मंथ की कंपैरिजन करें तो लास्ट मंथ तो एक्सटैग पूरा का पूरा ही डाउन ट्रेंड में था, बट इस टाइम पे आपका ज़फायर भी डाउन ट्रेंड में होगा और एक्सटैग अपना डाउन ट्रेंड वापस से कंटिन्यू करता हुआ आ रहा था। तो जब तक एक्सटैग एक रिवर्सल नहीं लेता है, मैं अभी एक्सटैग माइन करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ज़फायर माइन कर रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको ज़फायर के चार्ट्स पे भी ले चलता हूं। अगर हम ज़फायर का भी चार्ट देख रहे हैं, मैं इसको एक काम करता हूं, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच कर देता हूं। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं दैट इज $13.05 का चल रहा है ज़फायर, एंड ये भी अपने डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मैं इसको और 4 घंटे पे लेकर चल लेता हूं। ठीक है, तो आपको कंप्लीट एक ये डाउन ट्रेंड ऐसा गिरता हुआ नज़र आ रहा है कि कंप्लीट फॉल करती जा रही है। एंड अब हम इसे डेली बेसिस पे लेकर जाएं तो जो लास्ट महीने जो हमने पंप देखा था वो समवेयर अराउंड ये वाला पंप था कि जो ज़फायर था $28 के आसपास टच कर चुका था, एंड जैसे ही उसने $28 टच करा उसने बार बार कोशिश करी अपने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने की, जो कि काफ़ी स्ट्रांग था इस पूरी रेंज में, क्योंकि 4 बार लगातार कोशिश हुई, इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्म करा था, एंड स्टिल उसके बाद भी ये ब्रेक नहीं कर पाया, एंड उसके बाद डबल टॉप फॉर्म हुआ एंड मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में आ गई, जैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड में थी। तो वैसे ही मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में आ चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें तो अपने एक सपोर्ट जोन की तरफ ही अभी बढ़ रहा है ज़फायर। तो जैसे ही ये सपोर्ट जोन पे जाता है, वहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि हाँ ये एक रीबाउंड ले लेगा एंड वापस से अपने एक अप ट्रेंड अप्रॉक्सीमेटली $18 तक का कंटिन्यू कर सकता है, एंड अगर वहाँ से भी ये सक्सेसफुल रहा तो वापस से $25 की रेजिस्टेंस वापस से टेस्ट करेगा ज़रूर। अब क्या होता है क्या नहीं, उसके लिए हमें ऑफकोर्स आधा एक महीना और रुकना पड़ेगा, बट अभी के लिए मैं ज़फायर ही माइन कर रहा हूँ क्योंकि ज़फायर अपने सपोर्ट जोन की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर वो अपना सपोर्ट जोन ब्रेक करके नीचे डाउनफॉल अपना कंटिन्यू कर देता है तो मैं ज़फायर से अपनी रिग्स 100% शिफ्ट कर लूँगा, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं उसे ज़फायर पर रहने दे रहा हूँ। और फिन फार्मर्स, अगर वीडियो में आप सब यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो अगर आप वीडियो में दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक से कॉइनएक्स एक्सचेंज पे साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर, और साथ ही साथ अभी एक ऑफर और चल रहा है दैट इज $100 का साइन अप बोनस, जो कि आप अपनी ट्रेडिंग फीस में रिबेट ले सकते हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की कि ठीक है, हमने 0.823 ज़फायर माइन कर दिया और मुझे पता है अपने सपोर्ट जोन की तरफ जा रहा है, तो मैं इस टाइम तो वैसे इसे नहीं सेल करने वाला हूं, बट ऑफ कोर्स अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो हमें इसी पर ही करनी पड़ेगी। तो 0.823 इंटू में आपका $13, $1 आपका चल रहा है 86 के आसपास, तो मैंने जो रेवेन्यू जनरेट करा है दैट इज़ ₹920 का, एंड यही जो रिग है हमारी 80 वॉट्स लेती है, तो 0.08 इंटू में 24, मार्च में थे हमारे 31 डेज, एंड साथ ही साथ मुझे लगता है मैंने कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है, एक सेकेंड, 7 के हिसाब से ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं थी, 416, एंड साथ ही साथ में इसका अगर 10% और ऐड भी कर दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ₹450 जो है या ₹460 जो है वो हमने इलेक्ट्रिसिटी में स्पेंड करे हैं। तो 920 माइनस 450, 470 का मेरे पास ये जो प्रॉफिट इस टाइम पे बन रहा है।
तो अब तक जो हम प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं वो 7,500 रुपये ऑलमोस्ट टच कर चुका है। तो प्रॉफिट इज़ गुड, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टेबल इनकम मिल रही है एज ऑफ नाउ एज कम्पेयर टू माई इन्वेस्टमेंट साइज, क्योंकि मैं किसी भी महीने में अभी तक एक लॉस मेकिंग पोजिशन में नहीं गया हूँ। लेकिन अगर हम अब CPU माइनिंग की बात करें हैं तो अप्रैल आने वाला है, अप्रैल के बाद मई जून, तो ये तीन अभी गर्म महीने आने वाले हैं। तो अब देखना ये है कि इसमें हमारे क्या CPU टेम्परेचर्स रहते हैं और क्या हम इसे 24/7 रन कर पाते हैं, या फिर हमें माइनिंग जो है ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी यही देखा था जून जुलाई में, इवन जून में भी, एंड हमें इस टाइम पे माइनिंग रिग्स ऑफ करनी ही पड़ी थी क्योंकि CPU जो थे ओवर हीट काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, एंड प्लस ऐसे टाइम पीरियड में आपकी इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो देखते हैं आप अगले 2-3 महीने कैसे रहने वाले हैं गर्मियों के माइनिंग करते टाइम। फिनफार्मर्स, आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज और है, दैट इज फिनफार्म अपनी पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। डजेंट मैटर आप एक बिगनर हो, एक सीजन इन्वेस्टर हो या फिर एक प्रोफेशनल हो, सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी, क्योंकि हम वेब 3 के वेरियस टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं, नॉट जस्ट माइनिंग, एयर ड्रॉप्स या फिर ट्रेडिंग, इसके सिवा बहुत कुछ। वो सीरीज मिस मत करना क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलने वाली है। ऑल इट इनफॉर्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतनी है। वीडियो में यहां तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।